एलजेब्रा का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, अब इसकी असाइनमेंट 9.1 करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कंसीडरिंग द सीक्वेंस 6, 11, 16, 21, 26, इट्स एन टर्म बतानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 6, 11, 16, 21, 26, इसका एंथ टर्म आपको निकालना है। अब देखिए इसमें ऐड हो रहा है 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26। तो आप देखिए इसमें ऐड हो रहा है 5, 5 ऐड हो रहा है, तो इसका पैटर्न बनेगा, पैटर्न फॉर्म इसमें बन रहा है 5 मल्टीप्लाई 1, पहले वाला 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, फर्स्ट इसका ये बन रहा है। सेकेंड टर्म 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, थर्ड टर्म 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। तो इस तरीके से ये नंबर बनते जा रहे हैं, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, जो टर्म चेंज हो रहा है उसकी जगह पर हम n लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 5, इसकी जगह पर हम लिखेंगे n प्लस 1, तो इसकी जो n टर्म हो जाएगी 5n प्लस 1 होगी। अब इसका क्वेश्चन 2 है, द पैटर्न 2 फॉर्म U थ्रू मैच स्टिक एज, मैच स्टिक से U बना है, इसमें 3 मैच स्टिक लगी हुई है, एक इधर लगी है, एक नीचे, ये देखो एक ये लगी है, एक ये लगी है, एक ये लगी है, 3 मैच स्टिक लगी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 3x। तो दूसरे पैटर्न का आंसर आएगा इसका 3 मल्टीप्लाई x 3x। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल अप द मिसिंग बॉक्स, स्टेट द रूल विच कनेक्ट्स द क्वांटिटीज इन द डिफरेंट कॉलम्स, फाइंड द जनरल स्टेटमेंट फॉर एन इन दिस केस। अब इसमें आपको एन टर्म्स भी बतानी है। अब इसमें फर्स्ट पैटर्न में समझ लो 4 मैच स्टिक है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 10 है, चौथे में 13 है, तो 21 में कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इस लाइन को लिखेंगे, सीक्वेंस को 4, 7, 10 एंड 13। अब यहाँ देखो 4 में 3 प्लस करने से 7 आता है, 7 में 3 प्लस करने से 10 आता है, 10 में 3 प्लस करने से 13 आता है। तो सबसे पहले हम इसकी पैटर्न फॉर्म क्या बनेगा, इसका पैटर्न जो बनेगा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 बन जा 3 प्लस 1, पहले का ये बनेगा, दूसरे का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तीसरा का बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 3 3 9 प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है, तो nth टर्म बन जाएगी इसकी 3, इसकी जगह पर जो चेंज हो रहा है उसकी जगह पर n आएगा प्लस 1, तो इसकी जो n टर्म्स हो जाएगी 3n प्लस 1 हो जाएगी। अब अगर 21 टर्म है, 21st टर्म अगर है, तो इसमें ये जो 21 है वो n की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 21 प्लस 1, तो 21 3 जा 63 और 1 64, तो 21st जो टर्म हो जाएगी वो आ जाएगी 64, और 90th टर्म्स अगर 90th निकालेंगे तो ये भी n की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस 1 93 जा 270 270, में 1 जोड़ेंगे तो 271, 9 3 जा 27, 27 के आगे 0 लगेगा तो 270 हो जाएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 271। उसके बाद है 1/3 टर्म्स, 1/3 टर्म्स निकालना है, तो 3 मल्टीप्लाई इसकी जगह पर n की जगह पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1। अब इसमें देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 जा 1, और अंदर 1 ही बचेगा क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अगर 0 टर्म है तो 0 टर्म क्या निकलेगी, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1
तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो प्लस वन क्या कहलाएगा, वन, ज़ीरो टर्म जो हो जाएगी इसकी वन हो जाएगी। तो अब हम ये जो टेबल है जिसमें 21 टर्म पूछा है, 21 टर्म आई है 64, तो 21 की जगह पर हम लिखेंगे 64, 90 में आया था 271, तो 90 के नीचे लिखेंगे 271, वन थर्ड का आंसर आया था 2, तो उसके नीचे लिखेंगे 2, ज़ीरो टर्म का आंसर आया था 1, तो ज़ीरो टर्म में लिखेंगे 1, और जो nth टर्म जो हमने सबसे पहले निकाली थी nth टर्म वो है 3n+1, तो n के नीचे हम लिखेंगे 3n+1। दूसरा क्वेश्चन है, m की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू निकालनी है। अब nth टर्म हमें दिया हुआ है 7m-1, तो अगर m 1 है फर्स्ट बॉक्स के लिए, अगर m 1 है तो n कितना होगा, 7 × 1 − 3, 7 × 7 उसमें से 3 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 4, तो यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे। दूसरा m अगर 2 है तो n 7 × 2 − 3, 7 × 2 = 14, 14 में से 3 माइनस करेंगे 11, तो बॉक्स में आ जाएगा 11। अगर m 10 है तो n हो जाएगा 3 × 7, फॉर्मूले में यूज़ करेंगे 7 × 10 − 3, तो ये हो जाएगा 7 × 10 = 70 − 3 = 67, यहाँ पर आ जाएगा 67। अगर m 100 है तो n हो जाएगा 7 × n की जगह, ये जो m है इसकी जगह पर आ जाएगा 100 − 3, तो ये हो जाएगा 700 − 3, तो ये आ जाएगा 697, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 697। उसी तरीके से अगर m 250 है तो वैल्यू आपको पुट करनी है n में, तो n की वैल्यू दी हुई है 7m − 3, तो 7 m की जगह पुट करेंगे 250 − 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 और एक ज़ीरो लग जाएगा, −3 इसमें से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1747, तो यहाँ पर बॉक्स में आंसर आएगा 1747। लास्ट है 300, अगर m 300 है तो n की वैल्यू आ जाएगी 7 × 300 − 3, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2100, माइनस करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 2097। तो इस तरीके से हम इस बॉक्स को भर सकते हैं। तो नंबर सीक्वेंस अगर आपको दिया गया हो तो आप इस तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।